मोदी किसी का सगा नहीं है, उसकी आंखों के सामने आप तबाह हो जाओ, उससे कोई लेना देना उसे नहीं है। आपको भड़काकर मुसलमानों के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, तीन तलाक के नाम पर, हिंदू मुस्लिम करके, धर्म और राजनीतिक, धर्म और जाति की राजनीति करके वो केवल और केवल सत्ता में बने रहना चाहते। बीजेपी तो नाम है आरएसएस। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो मोदी जी को सीट ढूंढने से नहीं मिलेंगी किसी भी जगह से। 50 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया, क्या किया उसका, कहां गया वो पैसा? महंगाई चरम पर है, बच्चों से उनकी शिक्षा छीन ली, इस देश के नौजवानों से उनकी नौकरियां रोजगार छीन लिए, उनको बेरोजगार बना दिया, बहन बेटियों की इज्जत आबरू सलामत नहीं है। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details. जिस तरह से आज गुलबर्गा में लोकसभा इलेक्शन के चलते यहाँ पर मानव प्रताप सिंह हमारे बीच मौजूद हैं, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर टक्कर नजर आ रही है, तो हम भानु प्रताप सिंह साहब से जानेंगे कि किस तरह से आप जनता को मैसेज देंगे इस इलेक्शन में। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा, मंच से कहा, जनता को बहुत सीधा है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं ये उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सही मायने में तानाशाह और जनता के बीच में चुनाव है। जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का बहुत ज्यादा अर्थ मैं नहीं मानता इस बार इस चुनाव में। इस चुनाव में यह है कि जो तानाशाह है, जिसने 10 साल से देश के लोगों का जीना हराम कर रखा है, उसको किसी भी सूरत में उखाड़ के फेंकना है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट करें, उस दिन कोई काम न रखें, सिर्फ एक काम होना चाहिए कि कोई भी वोट घर में बैठे नहीं रह जाए, बिना डले नहीं रह जाए, और 80-90% जितना भी मैक्सिमम पोलिंग हो सकता है वो पोलिंग किया जाए, हर वोट डाली जाए, अपनी वोट पड़ने से ना रह जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो अपने आप को खुदा से भी ज्यादा समझ बैठा है, और शायद उसको ये गुमान हो गया कि जैसे कहा कि भाई वो विष्णु का अवतार है, यानी अपने आप को ईश्वर समझ रहा है, और उस पूरे देश में जो पोस्टर लगे हुए हैं पार्टी के, आप देखेंगे केवल उसी का एक का ही पोस्टर है, और उसमें झूठ के अलावा कुछ नहीं है। जैसे अभी बुलेट ट्रेन की बात आई, क्या आपने इस देश में बुलेट ट्रेन देखी है, सुनी है कभी? नहीं है ना। लेकिन उसने लिखा हुआ पोस्टर पे कि बुलेट ट्रेन चलाई, वंदे भारत चलाई, झूठ के अलावा कुछ नहीं। 70% नहीं, इस देश में 90% से ज्यादा तबाही हुई है, जिसे मोदी उस लिस्ट में, उस किताब में लिख के बेच रहा है ना, वो उसके बाप ने भी नहीं बनाई। वो इस देश में जो उससे पहले हुकूमत रही है उन्होंने बनाई है, कांग्रेस ने बनाई है, और जो पार्टियां जो उनकी हुकूमत रही है उन्होंने बनाई। क्या चीज बनाई है मोदी ने बताया? कोई एक चीज बनाए 10 साल में, सिवाय देश में कुछ बेचने के जो बना हुआ है उसको बेचने के अलावा, 10 साल में उसको तबाह करने के अलावा, और अपने यारों को कौड़ियों के मॉल देने के अलावा उसने क्या किया है? सर एक कुछ भी नहीं किया। एक बड़ा मेजोरिटी तबका उनको वो अपने साथ मानते हैं, और 400 इस बार 400 पार की वो गारंटी दे रहे हैं, और इस बार वो 400 एमपी जिताने की वो दावा कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो जो कह रहे 400 एमपी जिताने की बात नहीं कह रहे, वो कह रहे 400 पार, आप समझे नहीं उसको। 400 पार का मतलब है कि उन्हें तो 400 के बाद ही मिलेंगे, 400 सीटें तो विपक्ष जीतेगा, यानी 400 के पार, 400 जो है वो उनके काबू में नहीं है, 400 सीटें उनके हाथ से गई, 400 के पार मिलेंगी, इसलिए 400 पार कह रहे हैं वो तो। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो मोदी जी को सीट ढूंढने से नहीं मिलेंगी किसी भी जगह से। फिर किस तरह? अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई और अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, अभी पड़ा है मेट्रो, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, इत्तेफाक से अगर हो गया ये डिसाइड और अगले चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए, तो मोदी जी को 40 से ज्यादा सीटें इस देश में मिलेंगे नहीं, 400 पार की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। बीजेपी से किस तरह से, बीजेपी को क्या क्या नुकसान देश को हुआ है सर? बीजेपी नहीं, बीजेपी से क्या नुकसान नहीं है, महंगाई चरम पर है, बच्चों से उनकी शिक्षा छीन ली, इस देश के नौजवानों से उनकी नौकरियां रोजगार छीन लिए, उनको बेरोजगार बना दिया, बहन बेटियों की इज्जत आबरू सलामत नहीं है, किसानों को जो वादा किया था एक भी वादा पूरा नहीं किया, और किसानों की जमीन हड़प करने के लिए जो कृषि कानून लेके आए थे वो उनकी बदनीयती का सबूत है। ये तो भला हो कि किसानों ने
पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और 13 महीने तक 750 किसानों की आहुति देने के बाद, उनका बलिदान देने के बाद आखिरकार में मोदी को घुटनों पर लेकर आई किसान। ये क्या है? मजदूरों की हालत बुरी कर दी। जो मजदूर कानून थे, जिनकी भलाई के कानून थे, सारे कानून खत्म कर दिए। जो बिजनेसमैन है, जो फैक्ट्री वाले हैं, उनके हक में सारे कानून बनाए। इस देश में नई शिक्षा नीति लाके एजुकेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया और प्राइवेट करने जा रहे हैं। इस देश के बड़े बड़े जो संस्थान है उनको बेच रही है। इसके साथ साथ में 10 साल में 25 लाख करोड़ रुपया अपने यारों का माफ किया। ये जो पैसा था, ये पैसा इस देश की जनता का था, आवाम का था। क्या उसने किसानों का कर्जा माफ किया? क्या उसने मजदूरों का कर्जा माफ किया? नहीं ना। जो माफ किया उन पूंजीपतियों का, जिनका इस देश की भलाई में कोई योगदान नहीं है। उनका जितना भी काम है, जो व्यापार है, वो सिर्फ अपने भले के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, जनता के फायदे के लिए कुछ नहीं। किस अधिकार से मोदी ने माफ किया 25 लाख करोड़ रुपया? उस 25 लाख करोड़ रुपए में इस देश के नौजवानों को रोजगार मिल सकता था, रोटी मिल सकती थी, उन नौजवानों को शिक्षा मिल सकती थी, मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती थी। क्या हुआ? जो 150 लाख करोड़, 150 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया, क्या किया उसका? कहां गया वो पैसा? क्या मिला है इस देश के लोगों को? शिक्षा मिली? नौकरी मिली? हेल्थ फैसिलिटी मिली? क्या मिला? तो मोदी ने इन 10 सालों में कुछ भी काम ऐसा नहीं किया जो लोगों की भलाई के लिए हो। केवल और केवल लोग तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, वही काम उसने किया है और कुछ नहीं किया। जिस तरह से आप अपोजिशन में 400 कैंडिडेट का दावा कर रहे हैं, फिलहाल सूरत की अगर बात करें, गुजरात में तो बिना इलेक्शन के वहां पे बीजेपी जीती नजर आ रही है। सूरत में जो हुआ है वो कोई खेल हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो बिना इलेक्शन के ही वहां उनके पक्ष में चुनाव चला गया। ये चीजें होती है, लेकिन एक सीट से पूरे चुनाव का आकलन नहीं कर सकते। 543 में से एक सीट चली भी गई तो क्या आप उसको देखेंगे? क्योंकि उसके फौरी बाद वहां पे आपका कांग्रेस के कैंडिडेट बीजेपी में ज्वाइन। मैं समझता हूं कि उसमें निश्चित रूप से उनकी रणनीति जो है वो कामयाब हो गई और कांग्रेस की रणनीति कहीं ना कहीं उसमें मार खाई है। और सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि पीएसपी के कैंडिडेट ने अपना नाम वहां से वापस ले लिया, ये और हैरान करने वाली बात है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे ये सारी चीजें ना हो। और एक दो चीज और जैसे हुई है कि जैसे शायद कांग्रेस के एक कैंडिडेट है, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ। एक समाजवादी पार्टी का खजुराहो से वो भी नॉमिनेशन कैंसिल हुआ। इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान नहीं रखे जाएंगे, भाई कोई आपके पास में एक्सपर्ट की कमी तो है नहीं, लोग हैं आपके पास में, उन चीजों का ध्यान रखते हुए इलेक्शन को लड़ना। बीजेपी की जो कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी है, और आप देखेंगे तो एक जातिवादी भी है, तो वही बीजेपी इस बात पर खुला दावा कर रही है कि कांग्रेस भी जातिवादी है इलेक्शन में। इस देश में जाति एक सच्चाई है। आप शादी विवाह कैसे देख के करते हैं? अपनी जाति में करते हैं ना, अपने धर्म में करते हैं ना। वो लव जो लोग प्यार में होते हैं उनको छोड़ दीजिए आप, वो बहुत उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम लोग हैं। बाकी हर चीज, हर फंक्शन, ये जो भी कुछ होता है जाति के आधार पर। ये एक बड़ा मतलब बड़ी विचित्र स्थिति है यहाँ पे। तो आप उससे जो है मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन जो बीजेपी करती है केवल जाति के आधार पर नहीं करती है। बीजेपी से भी आगे हटकर मैं बात कहूंगा कि बीजेपी तो नाम है आरएसएस, जो उस मुद्दे को लेकर चलती है, हिंदुत्व के मुद्दे को। हालांकि इस देश की जनता ने बता दिया कि उस हिंदुत्व के मुद्दे को मात्र 2% लोग मानते हैं। रही मोदी की बात, आज की तारीख में बीजेपी या कुछ मायने नहीं रखता, केवल मोदी मायने रखता। जहां तक मोदी का मतलब है, मोदी किसी का सगा नहीं, अपने बाप का भी सगा नहीं है। मोदी केवल और केवल अपने लिए जीता है। सत्ता की हवस उसको इतनी है कि उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। केवल ये मोदी का हाल है। अगर आप देखेंगे ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मैं एक उदाहरण से समझाने की सब लोगों को कोशिश करूंगा। ये निजीकरण जो हो रहा है, इस निजीकरण से क्या केवल अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, ओबीसी को, केवल इनको नुकसान होगा? इस प्राइवेटाइजेशन से सबसे ज्यादा नुकसान उन हिंदुओं का होगा जिन हिंदुओं के नाम पर पूरी राजनीति मोदी कर रहा है। कैसे होगा, मैं उदाहरण समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखेंगे तो कोई भी सरकारी संस्थान, कोई भी फैक्ट्री, अगर वो प्राइवेट हाथों में जाती है, तो उसमें से 82% से लेके 88% तक रोजगार खत्म हो जाता है।
कोई नहीं संस्थान जाएगा। माना सरकार की कोई फैक्ट्री है, ये मान लीजिए कि आपकी बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड है, अगर वो प्राइवेट हाथों में जाएगी तो आज उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं उनमें से 82 से लेकर 88 लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी, केवल 12 से लेकर 18 जो लोग हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगी। ये है निजीकरण का एक फार्मूला। अब इसको कैलकुलेट कीजिए आप, इस देश में जो रेलवे है, एक रेलवे में तकरीबन 14.5 लाख लोग काम करते हैं सीधे सीधे, उनसे जुड़े हुए जो वो अलग है, लेकिन 14.5 लाख लोग काम करते हैं। अगर उसका पूरी तरह से निजीकरण हो गया, जो सरकार करने की कोशिश कर रही है, सो उसमें से 11 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी, मात्र 3 लाख के लगभग लोग रह जाएंगे उसमें नौकरी करने वाले। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि जो 11 लाख लोग हैं उनमें किसकी नौकरी कितनी जाएगी, लगभग 3.5 लाख के लगभग तो एससी और एससी के लोग हैं, उसमें माइनॉरिटी के लोग लगा लीजिए, ओबीसी के लगा लीजिए, ये लोग 5 लाख से ज्यादा नहीं है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी 5 लाख से ज्यादा सर्विस में नहीं है, रेलवे की बात कर रहा हूं मैं, तो नौकरी कितनी जाएगी निजीकरण से 11 लाख की, 5 लाख ये मान लीजिए इनकी तो जानी जानी है, ये तो दुश्मन है उनके, सो इनकी 5 लाख की जाएगी, वो 6 लाख कौन है जिनकी नौकरी जाएगी, वो 6 लाख वही हिंदू है जिनके नाम पर मोदी राजनीति कर रहा है, उन 6 लाख। तो इस देश के लोगों को समझने की जरूरत है, मोदी किसी का सगा नहीं है, उसकी आंखों के सामने आप तबाह हो जाओ, उससे कोई लेना देना उसे नहीं है, आपको भड़का कर मुसलमानों के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर, हिंदू मुस्लिम करके, धर्म और राजनीति, धर्म और जाति की राजनीति करके वो केवल और केवल सत्ता में बने रहना चाहते। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के लोग जिस तरह से आकर पट्टी बांध कर बैठे हैं, राम मंदिर पर वोट मांगे जा रहे हैं, हनुमान जी पर वोट मांगे जा रहे हैं, इसको किस तरह क्या? नहीं, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं बैठे, इलेक्शन कमीशन पट्टी बांध के बैठा है, इलेक्शन कमीशन सब कुछ होते हुए देख रहा है। धर्म के नाम पर जिस तरह से इस देश में राजनीति हो रही है और देश का प्रधानमंत्री गृहमंत्री जिस बेशर्मी से धर्म के नाम पर चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, जो ये इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं, ये इलेक्शन कमीशन अपनी गुलामी का सबूत दे रहा है, मैं तो कार्रवाई करता हूँ। This video presented by Al Sharae PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharae PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharae BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharae Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details.